गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़े हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज चलेगी हमारी 2.3 हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। आप सभी को समझ में आई होगी, बहुत इजी थी हमारी वो एक्सरसाइज। ऐसे ही हमारी 2.4 है। देखिए 2.4 में हमें करना क्या है, डिवाइड करना है। 2.3 में हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको सिखाती हूँ दो तरीके से। पहला क्या करते हैं, जिसे हमें डिवाइड करना होता है उसे इन्वर्स में लिख दो, यानी 1/12, और फिर जो डिवाइड का साइन है इसे मल्टीप्लाई का लगाओ और 3/4। फर्स्ट तो हम ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा सिंपल तरीका है जैसे हमें लिखा है वैसे ही, जैसे 12 डिवाइडेड बाय 3/4 ये लिखा है। आप सभी को पता होगा जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मानते हैं, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 12/1/3/4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए जब डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, इसकी इससे और इसकी इससे। समझ में आ रहा है आप सभी को, क्या करा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से और 4 की मल्टीप्लाई 12 से हमने कर दी, तो हमारा आया 4×12/3×1। 3 से 12 चला जाएगा, 4 आया, 4×4=16, ये हमारा आंसर है। और देखिए जैसे मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था, दूसरे मेथड में क्या बताया था कि अगर हमारा 12 है, 12 को इन्वर्स कर दो, यानी 12/1 है तो 1/12, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई के साइन को डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके 3/4 इसे डिवाइड करा, क्या आया हमारा 4, और ये आ गया हमारा 1/16, ठीक है। और इसे जब लिखेंगे तो हमारा 16 ही आएगा इन्वर्स में, क्योंकि हमने इन्वर्स कर दिया था। चलिए लेकिन यहाँ पे हम कौन सा अपना मेथड अपनाएंगे, फर्स्ट वाला, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 14 डिवाइडेड बाय 5/6, यही है, इसे हल करते हैं। क्या करेंगे, 14 डिवाइडेड 5/6, 14 को क्या लिख सकते हैं, 14/1 एंड 5/6, 5 की मल्टीप्लाई इससे और 6 की मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ गया, 14×6 एंड 5×1। अब ये डिवाइड तो होने का नहीं, तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, क्या आएगा, 6×4=24, 84/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आपके कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, (3)/2(1/3। तो अब इसे देखिए, इसे हमें करना कैसे है, 3/ ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले किस में चेंज करेंगे, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में, 3×2=6 and 1/7/3। आप सिंपल कर दीजिए, 3/1/7/3, 7 की इससे और 3 की इससे, हमारा हो गया 3×3=9/7, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 2.4 का।
सर्व कर देती हूँ मैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर टू में? निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर टू में आप देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये हमारा जैसे हमने कोई संख्या ले ली 2/3, ये क्या है हमारा न्यूमिनेटर, ये अंश है और ये हर है। जब हमारा क्या हो, जो अंश है ये बड़ा हो, जैसे सपोज 5/3, क्लियर है? जब हमारा अंश बड़ा होता है हर से, तो ये भिन्न कौन सी कहलाती है? विषम भिन्न, ठीक है? और जब हमारा अंश छोटा होता है हर से, तो कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न, ठीक है? इसमें लिखा है उचित भिन्न, क्लियर है? क्या जब हमारा अंश बड़ा होता है तो विषम भिन्न, और छोटा होता है हर से तो उचित भिन्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू में एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा गया है? निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट है, क्या है? 3/5। निम्नलिखित में से प्रत्येक का व्युत्क्रम कीजिए, तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5/3, यही है। अब 5/3 तो हमारा आ गया। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या में के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप मुझे बताइए, ये हमारा उचित भिन्न है या विषम भिन्न है? देखिए, ये तो हमारा उचित भिन्न था, क्योंकि अंश हमारा क्या था? छोटा था। लेकिन जब ये हमारा यहाँ पे आया, तो ये कौन सा भिन्न हो गया? विषम भिन्न। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर टू भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। क्या बोला गया है? 5/8। सबसे पहले हमें क्या करना है? 5/8 का व्युत्क्रम कितना होगा, जल्दी बताइए? 8/5। अब हमारा क्या हो गया, जो अंश था वो हर से बड़ा हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया? विषम भिन्न। अगर हमारा अंश जो है वो हर से छोटा होता तो उचित भिन्न हो जाता, और अगर ये संख्या p/q यानी परिमेय संख्या में ना होती, एक पूर्ण संख्या बनती, तो वो पूर्ण संख्या हो जाता। जैसे कि हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या है? 1/8। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। टू का 6/1/8 यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/8 का व्युत्क्रम कितना होगा? 8, ठीक है? और 8 क्या है हमारी? p/q में तो है नहीं, तो ये क्या है हमारी? एक पूर्ण संख्या। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बाकी पार्ट आप लोग कर ही लोगे, आपको समझ में आ गए होंगे। ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 7/3/2। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, सेम हमारा थर्ड है। किस तरीके से? 7/3 डिवाइडेड बाय 2,
टू के नीचे वन लिख सकते हैं हम। आप लिखें या ना लिखें ये आपके लिए है। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आया हमारा 7 × 1/3 × 2, तो क्या आ गया 7/6। क्लियर है? चलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सभी पार्ट इसी तरीके से करने हैं, आप सभी कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या करते हैं, इसमें भी है हमारा ज्ञात कीजिए। क्या है 2/5 / 1/2 करना क्या है, जैसे कि हम हर बार कर रहे हैं 2/5। आप देखिए इसे टू आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो इसे इन्वर्स कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए सॉरी ठीक है। दूसरा डिवाइडेड बाय 1/2, आप देखिए मल्टीप्लाई जैसे मैंने आपको बताया 1 की इससे और 2 की इससे, तो क्या आ गया 2 × 2 / 5 × 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4/5। क्लियर? चलिए इसका पार्ट 2 देख लेते हैं फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 4/9 / 4/9 / 2/3, कैसे इसे हल करेंगे 4/9 / 2/3, इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हमारा आया 4 × 3 / 9 × 2। अब देखिए 2 को हम इससे काट देंगे 2 × 2 = 4, 3 को इसे काट दीजिए 3 × 3 = 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2/3। अगर डिवाइड होता है तो आपको डिवाइड करना है, अगर नहीं होता है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 4/5 था, ये डिवाइड नहीं हो सकता तो हमने इसे यहीं छोड़ दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि 4 हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है और 3 9 से, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट इसी तरीके से करने हैं, आप लोग कर लोगे, बहुत ईजी हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।